नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद के जसराना में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव का बयान। शिवपाल यादव ने मंच से अपनी पार्टी से 2022 के चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव के नाम की घोषणा अपनी पार्टी से की। पार्टी चलाने के लिए रैली और थैली दोनों की जरूरत। पूरे देश पर गुजराती कब्जा है। सरकार के द्वारा लोगों के मकान ढाना गलत परंपरा डाल रही है सरकार। राजनीतिक द्वेष से ऐसी परंपरा नहीं डालनी चाहिए। मायावती के जन्मदिन पर बधाई वाले प्रश्न पर शिवपाल ने कहा, शिष्टाचार का धर्म निभाया है। मायावती की पार्टी से गठबंधन के प्रश्न पर कहा, यदि गठबंधन की बात होती है तो जिस तरह से लोहिया जी ने गैर कांग्रेसी वाद का नारा दिया था, हम उसी नारे को गैर बीजेपी वाद गठबंधन के लिए सभी से तैयार हैं। कमल वितरण का कार्यक्रम था, यहाँ के सभी लोग थे, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने रखा है, तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया है और मुझे बुला करके यहाँ पार्टी चलाने के लिए तो धन भी दिया है। जितना मेरा वजन है उससे ज़्यादा ही उन्होंने दिए हैं, सिक्के दिए हैं। यदि हम 2022 की बात करें तो अब प्रसपा का गठबंधन किन किन पार्टियों से रहेगा? देखिए, हमने समान विचारधारा के लोगों से अपील की है। क्या सपा किसे वो परंपरा, ये लोकतंत्र में परंपराएं ठीक नहीं है। कमलेश उतरारा, किसी का मकान, छोटी छोटी बातों पर राजम जैसे लोगों को में लगा करके, तो ये परंपराएं गलत है। पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ अगर ऐसी लिए जाएंगे, ऐसे ध्वज लिए जाएंगे, तो ये परंपराएं गलत है। क्या मानते हैं आप, बाद में क्या स्थितियां होंगी अगर दूसरी? परंपराएं ठीक नहीं है, यही तो बताया। परंपराएं बच जाएंगी तो सबके लिए खतरनाक हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।